योग और आयुर्वेद के साथ प्राकृतिक उपचार से कैसे अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, इस संदर्भ में सारभूत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ पूरे देश यानी दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में जिनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, लगभग पिछले 40 वर्षों से जो निरंतर नेचुरोपैथ के क्षेत्र में बहुत यशस्वी कार्य कर रहे हैं और अपने योगग्राम जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है वहाँ के चिकित्सा के प्रमुख हैं, योगग्राम जिनके कुशल नेतृत्व में चल रहा है और धरती का स्वर्ग जैसा वातावरण और पूरी चिकित्सा का पूरा वहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है, उसके लिए डॉक्टर नीरज जी का एक बार सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम देखो किसी भी एक फील्ड में यदि पूरा जानना चाहते हैं तो हमें कई वर्ष लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमें कोई चिकित्सक तो होना नहीं है, हमारी समस्या से संबंधित प्राकृतिक चिकित्सा से हम क्या मदद ले सकते हैं उसके संदर्भ में हम बात करने में रुचि रखते हैं और वही हमारी इच्छा भी होती है, आवश्यकता भी होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा यूँ तो सभी प्रकार के रोगों में मदद करती है, माने बड़ी बीमारियों में SLEMS, ऑटोमन डिजीज, एक्यूट डिप्रेशन, माइग्रेन पेन और कैंसर जैसे रोग, टीबी जैसे रोगों में भी अद्भुत उसके परिणाम आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी खास बीमारियां जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा हमें संपूर्ण आरोग्य दे सकती है, जैसे पेट के रोग, पेट की बीमारियों के लिए एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है, जैसे एलोपैथी में लीवर के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं है, एलोपैथी में आंतों की कमजोरी के लिए कोई दवाई नहीं है। जो योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत मैं आपसे कह रहा था, डीजनरेट वे सेल्स को रीजनरेट करना, शक्तिविहीन को शक्ति प्रदान करना और भीतर के सारे असंतुलन को खत्म कर देना, चाहे वो केमिकल सॉस हार्मोन्स के लेवल पर है, चाहे वो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के लेवल पर है, चाहे एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरे सिस्टम में जो इम्बैलेंस आ गया है, वात पित्त कफ के स्तर पर है, चाहे वो दोषों के साथ साथ अग्नि की दृष्टि से बोले तो सप्त धात्वाग्नि पंचभूताग्नि जठाग्नि के स्तर पर है, शरीर इंद्रिय और मन के स्तर पर है, सारे असंतुलन को मिटाना, ये बेसिक फिलोसफी में भी अंतर है। एलोपैथी में शल्य चिकित्सा बहुत श्रेयस्कर है, कंट्रोल, जैसे एकदम से बीपी बढ़ गया, एकदम से शुगर शूट अप कर गया और उसको एकदम कंट्रोल करना है तो एक्यूट मैनेजमेंट में कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन क्योरिंग प्रोसेस में तो बहुत थोड़े से बीमारियां बच जाती हैं जहां वो मदद करती है, क्योंकि मेडिकल साइंस के 7 बड़े उद्देश्य माने जाते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहैबिलिटेशन एंड पॉल्यूशन। अब इसमें क्योरिंग प्रोसेस में तो बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम है जहां वो क्योर कर पाते हैं। खैर, अब इस पूरी विधा में कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम पेट की बीमारियां जिससे अक्सर सभी लोग पीड़ित रहते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस और पास फिसर फिशुला भी आजकल बहुत बढ़ गया है, इंडाइजेशन, उसको हिंदी में अजीर्ण कहते हैं, हम पेट, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, चमड़ी के रोग और बीपी, शुगर, वेट जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, अनिद्रा में भी अच्छी मदद करता है प्राकृतिक चिकित्सा के जो भी उपाय हैं।
फिर विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, खास करके कैल्शियम और आयरन की कमी बहुत जल्दी पूर्ति हो जाती है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ मूल सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। हमने आपको कहा था हम आपको रोगी से योगी, निरोगी और उपयोगी बना करके भेजेंगे, और आपको एक आरोग्य साधक कि जिससे कि आप दूसरों को भी आरोग्य दे सके, इस तरह से हम आपको यहाँ से बहुत कुछ सिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको आरोग्य के कुछ सूत्र देते हैं जो नेचुरोपैथी में बताए जाते हैं। हम संक्षेप से निष्कर्ष के रूप में चर्चा करेंगे, और आप सब को भी, क्योंकि सब बातें हमारी मेमोरी में हम रख नहीं पाते हैं, इतनी ग्रैस्पिंग पावर सबकी नहीं होती है, तो आप लोग नोट भी करते रहिए। नेचुरोपैथ में तीन चीज़ों को जहर माना जाता है, मैदा, नमक और चीनी, तीनों को वाइट पॉइजन मानते हैं। इसके पीछे रीजनिंग जो है वो हम डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी से सुनते हैं, और एक एक बात के ऊपर फिर ऐसे हम निष्कर्ष के रूप में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, और डॉक्टर नीरज जी अपनी बात शुरू करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ी जो चीज़ है कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो मूल आधार है आहार है, आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार। तो ये आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार यदि हमारा सही हो जाए तो हर प्रकार के बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं। और ये आयुर्वेद का भी है कि जैसा हमारा आहार होगा, यानी यदि आपका आहार सही है तो दवा की क्या ज़रूरत है, और आहार सही नहीं है तो दवा की क्या ज़रूरत है। पथ्य सति गदा तस्य किम औषध निस्वनई, पथ्य अस्थि गदा तस्य किम औषध निस्वनई, यानी ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और आहार में भी जैसे परम श्रद्धे पूज्यास्पर स्वामी जी ने कहा कि भाई ये तीन जहर हैं, वाइट पॉइजन हैं, जिनको हम चीनी कहते हैं, नमक और मैदा, इसके अतिरिक्त और भी सफ़ेद जहर है जिसमें हाइड्रोजनेटेड जो फैट होता है, जो मार्केट में विशेष ब्रांड से बेचा जाता है डालडा या वनस्पति घी के नाम से, तो ये भी व्हाइट पॉइजन, ये ज़बरदस्त व्हाइट पॉइजन है। मैंने उसको ऑयल को हाइड्रोजन से क्रिस्टल्स में बदल देते हैं, और उसकी जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री से ऊपर होता है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, और उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो इतने डेंजर होते हैं कि वो तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। यही नहीं, वो जो क्रिस्टल वाला वनस्पति घी तो खाना चाहिए ही नहीं। आजकल जो आता है ना रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड करने के जो प्रोसेस है, अब तो पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी है कि उससे भी कैंसर होता है। ये जो घर घर जो बीमारियाँ हो रही है ना, इसमें एक बड़ा कारण है रिफाइंड ऑयल, और उसमें स्वामी जी ट्रांस फैट बहुत ज़बरदस्त होता है। हाँ, रिफाइंड ऑयल तो इतना खतरनाक है, और इसके बारे में लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, जागरूक ही नहीं लोग, सब इस साव में खाते हैं, हम तो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अरे कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट जो हार्ट अटैक करने वाला, वो तो सबसे ज़्यादा उसी से बढ़ रहा है और कैंसर तक बढ़ रहा है। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? तो ये जो है, अब जैसे नमक है, अब नमक हम खाते हैं तो 1 ग्राम नमक आप शरीर में लेते हैं तो कम से कम शरीर में 80 ग्राम पानी को वो रोकता है, और उससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका प्रभाव किडनी के ऊपर होता है। 1 ग्राम नमक कितने? 80 ग्राम पानी को रोक देता है। मैं बोल रहा था ना, जिनको वाटर रिटेंशन है, शोथ है, वो नमक और मीठा ना खाएं। वो ये कारण है कि वो 1 ग्राम नमक आपको 80 ग्राम पानी को रोक देता है, जो रोकना नहीं चाहिए, तो उसी से फिर फूलते भी आप। जैसे एडिमा वगैरह बीमारियां हो जाती हैं ना, सूजन वगैरह हो जाता है, किडनी के ऊपर बहुत भार पड़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड आयतन बढ़ने से फिर ब्लड प्रेशर के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ता है, हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि अमेरिका की जो FDA है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसने कहा है कि मात्र 3 ग्राम हम नमक यदि कम कर दें अमेरिकन, तो कम से कम $36 बिलियन जो है हम बचा सकते हैं। यानी नमक इतना घातक होता है, इतना जहरीला होता है,
तो इसलिए बहुत सारे यानी एक बीमारी नहीं अनेक बीमारियों को पैदा करता है, ब्रेन स्ट्रोक पैदा करता है, कार्डियक अरेस्ट पैदा करता है, किडनी के लिए बहुत खतरनाक है, जॉइंट्स पेन पैदा करता है, यहाँ तक कि हाईली कार्सिनोजेनिक भी माना जाने लगा है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी बीमारियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए इस नमक को जितना हो सके उतना कम से कम खाएं। मैं तो कहता हूँ कि ये नमक इतना खतरनाक होता है कि अब जैसे सबसे खतरनाक एक जीव होता है जोंक, जो सबका खून चूसता है, उस पर जोंक पर नमक डाल दो तो बेचारा मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, हैं। तो ये नमक इतना जो है जहरीला होता है, तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि नमक का प्रयोग जितना हो सके कम से कम करें। और इससे प्राकृतिक जो स्वाद होता है चीज़ों का, अब हम सब्जियों में इतना नमक डाल देते हैं वो सब्जी का तो स्वाद आता ही नहीं, नमक का स्वाद आता है, कई चीज़ों में मीठा डालते हैं मीठा का स्वाद आता है, हाँ जो नेचुरल टेस्ट है वो भी गायब हो जाता है और उसके अंदर भी केमिकली रिएक्शन होते हैं उसके। फिर इसके अतिरिक्त जो है नमक आपके पेट की इकोलॉजी को जो है ना ख़राब करता है, क्योंकि हमारा पेट संबंधी अधिकांश बीमारियों में हमारे इंटेस्टाइनल इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो यदि ख़राब हो जाए, क्योंकि पेट में कुछ ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत सारे विटामिन्स को पैदा करते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन के है, ये हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं बेनिफिशियल उसको जो है ये करते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि ये उसको भी नष्ट करने पर तुल जाता है। ये चीनी भी यही काम करता है, चीनी भी हमारे पेट की इकोलॉजी को भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त करता है, जिससे जो है पेट संबंधी ये पेट का स्वास्थ्य हमारे उसी इकोलॉजी पर निर्भर करता है। जितना बेनिफिशियल बैक्टीरिया बैक्टीरियल फ्लोरा जो है अच्छी क्वालिटी में होगा, बढ़िया खूब शानदार होगा, तो हमारा पेट का स्वास्थ्य बहुत ही शानदार होता है। और पेट की इकोलॉजी को ठीक करने के लिए इसीलिए कहा जाता है सबसे दी बेस्ट होता है दही। दही को दी बेस्ट प्रोबायोटिक्स माना जाता है, क्योंकि उसकी एक बूंद हम दही लेते हैं उसमें 200 मिलियंस ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। तो ये जो है इस प्रकार से दर्जनों ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारे आंतों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए एक बूंद में अब आप कितना पी जाते हो, एक गिलास में कितने मिलियन ट्रिलियन हो सकते होगा। तो ये जो है आपके ये दही, ये उसी वक्त चीनी जो है, अब चीनी का नाम लेते ही हमारे मुंह में मिठास घुलने लग जाती है, हैं? लेकिन मैं तो कहता हूँ चीनी जितनी महंगी हो जाए उतनी अच्छी है क्योंकि इस चीनी ने ये अपना दुष्प्रभाव जो है मुंह से ही दिखाना शुरू कर देता है। एक सेल्टन रिव्यूज एक जर्नल है, उसको एक बार मैं पढ़ रहा था, देखा कि भाई सिर्फ ब्रिटेन में प्रति सप्ताह टनों दांत निकाल देने पड़ते हैं, और उसके पीछे चीनी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये डेंटल डिके खास करके दंत क्षय जो है ना, ये चीनी और चीनी के साथ साथ जितने भी जो भी चीज़ें हम खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टॉफ़ी इत्यादि चीनी का प्रयोग ज़्यादा होता है, चॉकलेट इत्यादि जो है, और उसका दुष्परिणाम ये कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो चीनी आती है बड़ी डेंजरस होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी नहीं होती है हमारा श्री, उसमें सैक्रिन मिलाया जाता है, उसमें फॉस्फेरिक एसिड होता है, उसमें BVO होता है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें HBO हाइड्रोजनेटेड, ये सारे के सारे इतने हाईली टॉक्सिक हैं, इतने जहरीले हैं कि जिसका दुष्प्रभाव जो है यानी पूरे हमारे सिस्टम पर होता है, हमारे हार्ट के ऊपर होता है, हमारे किडनी के ऊपर। आज जितने तेज़ी से किडनी रोग फैल रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हम मार्केट की जो चीज़ें खा रहे हैं, जो ये फास्ट फूड है, ये जंक फूड है, ये नूडल्स है जिसको हम बोलते हैं बर्गर, मैंने तो नाम ही दिया है कि जो बर्गर खाएगा बरबराएगा बरगलाएगा और बर्बाद हो जाएगा और सारा अंतर का गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से हॉट डॉग, क्या नाम है, कुत्ता और ऊपर से गरम हॉट डॉग खाएगा वो सचमुच कुत्ता जैसा भौंकना शुरू कर देता है। इसलिए करता है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण, मैं ऐसे कविता की चुकबंदी नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि ये सारे आहार लेने से हमारे दिमाग में जो हैप्पी हार्मोन्स है उसकी जो है अभाव कर देता है, सेरोटोनिन का अभाव हो जाता है, और सेरोटोनिन के अभाव के कारण ही आज बच्चों को देखते हो, बच्चों में एक खास बीमारी पैदा हो रही है जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेसिया सिंड्रोम, यानी उनके
कंसंट्रेशन पावर खत्म हो रहा है, उनकी रीजनिंग पावर खत्म हो रहा है, उनकी लर्निंग पावर खत्म हो रहा है, उनकी मेमोरी जो है खत्म हो रही है, ये जो है उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह रही है, थोड़ी थोड़ी बात पर उबल पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर जो है ये क्यों, तो ये सारे इस प्रकार का आहार, आहार के जो केमिकल हैं, क्योंकि ये दो अंग हमारे सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक किडनी और एक लीवर, जो सिस्टम को हमेशा डिटॉक्सिफाई करने में लगे रहते हैं। अब कितना उनकी एक क्षमता होती है, और परमात्मा ने इन्हें इतनी अद्भुत बनाया, इतना अद्वितीय बनाया है कि एक किडनी में कम से कम 10 लाख यानी माइक्रो से माइक्रो छनापत्र होता है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनको पर इतना बोझ हम डालते हैं, ये नूडल्स, ये जो है सारी चीज़ें इस प्रकार के खा करके, ब्रेड, हम कहते हैं ब्रेड खाओगे हेड खराब होगा, नूडल्स जो दिमाग को डल करे, तो इसलिए जो है, और इन सब में ये सारा क्या है, ये सारे प्रयोग होते हैं, नमक डाला जाता है उसमें, चीनी डाला जाता है स्वादिष्ट बनाने के लिए, मैदा डाला जाता है। अब मैदे को देखिए ना, मैदे हम लोग प्रयोग करते थे बचपन में, जब हम विद्यार्थी थे 8वीं 9वीं क्लास में, तो हमें बहुत सारे काम दिया जाता था, चिपकाने के काम हम ले ही बनाते थे। अब आज तो चिपकाने के लिए ग्लू आ गया है, अब पेट को चिपकाने के काम आ रहा है, ब्रेड के रूप में खा करके पेट को चिपका रहे हैं हम, ब्रेक क्या नाम, इस प्रकार की मैदे कितनी चीज़ें, ये जो हम दांतों को जाकर के अंदर चिपक जाता है, और कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका मैदा निभाता है, पता नहीं। और एक कुछ आइटम ऐसे हैं जो मैदा के बिना बनते ही नहीं है, और फिर वो मैदा खा खा करके और पूरा पूरा इंटेस्टाइन, पूरा डाइजेशन सिस्टम पूरा हम बर्बाद कर देते हैं। तो ये जैसे चीनी, हमने कहा चीनी क्या है कि आप सबको अच्छा लगता है ना, चीनी को जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी फंगस हैं, जितने भी आपके वायरस हैं, उन सबको बहुत अच्छा लगता है, वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। इसलिए देखते हो जिनको चीनी की बीमारी होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो उनको प्रायः बैक्टीरियल जो है बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है कभी कुछ, क्योंकि उनके शरीर से खास प्रकार की सुगंध निकलता है, और उस सुगंध के पीछे जो सारे बैक्टीरिया जो है फंसे चले आते हैं। तो इसलिए ये चीनी जो है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कतई भी, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में गुड़ तो अलाउ है। गुड़ हम देते हैं स्वामी जी, शहद बहुत अच्छा रहता है, शहद तो बहुत ही उपयोगी है। शहद में हाल ही में एक बड़ा अद्भुत खोज हुआ है, ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि उसमें खास प्रकार के एंटीबायोटिक तो होता है, जो MRA से, जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस है, स्टेप्टोफिलोकोकस ऑरियस जो कीटाणु होता है, जिसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करता है, वह जो है इसमें मिथाइल ग्लाइऑक्सल, एक खास प्रकार का तत्व पाया जाता है जो कीटाणुओं को, रोगाणुओं को नाश करता है। हमारे यहाँ तो हम कोई घाव अगर हो जाता तो हम तो ड्रेसिंग करते हैं इसे, इसमें क्या नाम है, शहद, कहीं भी घाव हो जाए, शहद है, हल्दी है, इन सब को और नीम के पत्ते घी में पका करके, और भयंकर से भयंकर घाव, एक ऐसी महिला आई थी जो बरसों से पैर के अंदर घाव हो गया था, और उसको हमने इससे जो है ठीक किया। तो ये जो है, ये आपसे निवेदन कर रहा था, चीनी, वाइट पॉइजन, तो चीनी जो है सबसे खतरनाक हमारे पेट के जो है ना पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, रोग पैदा करने वाले, उनको ओवरग्रोथ कर देता है, और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं कि जो आप अच्छी चीज़ भी खाते हो, कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा खाते हैं, मैं दूध पीता हूँ, मैं ये खाता हूँ, तो उसमें जो अच्छी क्वालिटी के तत्व होता है, जैसे प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है एमिनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफिन होता है, टायरोसिन होता है, थेरियोनिन होता है, लाइसिन, ल्यूसिन इत्यादि होता है, तो जा करके उस पर वो बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रतिक्रिया करके टायरोसिन को टायरोमिन में बदल जाते हैं, एमाइंस में बदल देते हैं, जो हाईली कार्सिनोजेनिक हो जाता है, भयंकर रूप से, खतरनाक रूप से कैंसर पैदा करने वाला हो जाता है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि इस प्रकार के जो आहार है, कम से कम चीनी का प्रयोग जो है ना करें तो बहुत अच्छी बात है, और करें भी तो बहुत कम करें, क्योंकि चीनी को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करने के दौरान उसके जितने भी तत्व हैं, उसमें आयरन नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, वो शरीर में जा करके हमारे शरीर में कैल्शियम की और अभाव पैदा कर देता है, कैल्शियम की कमी पैदा कर देता है, विटामिन डी की पैदा कर देता है, अभाव पैदा कर देता है, और जितने भी विटामिन डी डेफिशिएंट बीमारियां हैं चीनी खाने वालों को ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त ये थायराइड के ऊपर प्रभाव डालता है, हमने पुस्तक लिखी है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, उसमें हमने विस्तार से इन सब की जानकारी दी है कि किस प्रकार से ये चीनी, यानी
पूरे सिस्टम को हमारे कैसे टॉक्सिक बनाता है, किस प्रकार से शरीर के एक एक अंग को भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त करता है, तो इस चीनी को जहाँ तक हो सके ना लें तो बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार से नहीं, देखिए जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनको तो चीज़ों को नियंत्रित ही रखना पड़ेगा। एक तो डायबिटीज़ के रोगियों को कोई भी शरबत और जूस सीधा नहीं पीना चाहिए, जिनमें शरबत और जूस कोई भी उसमें एकदम से शुगर जाएगा ना तो एकदम बढ़ जाएगा ब्लड में, तो उनको जैसे मुनक्का है, अंजीर है या सेब है, पपीता है, ऐसी चीज़ें जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है ना, वो वाला जो मधुरम है या शहद है वो डायबिटीज़ वालों के लिए, अब शुगर तो है ही ना वो, तो इसलिए डायबिटीज़ वालों को तो जो है नहीं ले तो अच्छा है। पहले आप कपालभाति करके और अपने नॉन डायबिटिक हो जाइए, आधा आधा घंटा कपालभाति करेंगे तो 3 से 9 महीने के अंदर डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, फिर आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैं निवेदन करूं डायबिटीज वालों को, मैं कहता हूं कि पहले उन्होंने इतनी चीनी खा लिया कि अब चीनी खाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही ढंग से खाए रहते, नियंत्रित खाए रहते तो फिर ये स्थिति नहीं होती। ये कह रहे कोटा पूरा हो गया आपका। तो कोई कहते हैं हमारे कर्मों के अनुसार जाति, आयु और भोग, माने मनुष्य आदि के रूप में जन्म, आयु और हमें कितनी चीज़ों को भोगना है उतना तय है परमात्मा की ओर से उसके कर्मफल व्यवस्था में। तो आप भगवान ने आपका चीनी का कोटा पूरा कर दिया माने, या आपने ऐसे इस तरह से जीवन शैली अपनाई तो उसमें थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। दरअसल जिस चीज़ से व्यक्ति को रोका जाता है ना उसके प्रति थोड़ी सी ज़्यादा इच्छा जागृत होती है, आप कंट्रोल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो है उसी प्रकार से ये हाइड्रोजनेटेड जो फैट होता है ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, हमारे खून की नलियों को क्षतिग्रस्त कर देता है, हृदय रोग पैदा करता है, और जितने भी ये सारे व्हाइट पॉइजन हैं स्किन के लिए, आज स्किन डिजीज, जिसको देखो स्किन एलर्जी हो रहा है, स्किन डिजीज हो रहा है, स्किन ये हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार का आहार जिसमें जो है चीनी की मात्रा है, प्रायः जितने भी मार्केट में आहार मिलते हैं उसमें चीनी की मात्रा फ्रुक्टोज के रूप में उसमें मिलाया जाता है, आपके कहना, और इतना हाईली टॉक्सिक पाया गया इन सारे, और नमक मिलाया जाता ताकि आपके स्वाद को किस प्रकार से संवर्धित करके और लोगों को उसके पीछे दीवानगी पैदा करके, उसका जो है नशा पैदा करके उसको जो है आपको जो है ये किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सके आप, उसके हैबिचुअल हो जाएं, तलब लग जाए उसकी, उसके बिना आप रह ना सके, इस तरह का जो है पूरा का पूरा एक उपभोक्तावाद के आधार पर चलता है पूरा बाजार ना। एक सूत्र दिया जाता है आयुर्वेद में, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में, निषादौ पिबेत वारी, निशान्ते पिबेत वयः, भोजनान्ते पिबेत क्रम, वैद्यस्य किं प्रयोजनम्। सुबह उठते ही पानी पियो, रात को सोने से 1 घंटा पहले करीब दूध पियो, और भोजन के बाद छाछ पियो। ऐसे कुछ प्राकृतिक चिकित्सा में 8-10 जो बड़ी बातें हैं वो बताओ इनको जरा। प्राकृतिक चिकित्सा में एक तो ध्यान के पहला सूत्र याद रखें कि हम मूल, जैसे अभी बताया स्वामी जी ने भी कहा कि भाई मूल जो है प्राकृतिक चिकित्सा का आधार जो है ना, ये प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा मैं कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जो है ये स्थापित किया हुआ है। तो ये जो है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योग भवति दुखा, यानी जिसका आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार यदि सही है उस व्यक्ति को न तो रोग होगा और न कोई दुख होगा, न शोक होगा, न पीड़ा होगी। ये और यही मूल आधार प्राकृतिक चिकित्सा का है। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में शरीर के लिए 80% क्षारीय आहार चाहिए और 20% अम्लीय आहार चाहिए। क्षारीय आहार से जितने, क्योंकि हमारा खून जो है क्षारीय है, अल्कलाइन है, तो इसलिए सिस्टम के लिए हमारा क्षारीय आहार बहुत ज़रूरी होता है। और क्षारीय आहार में जितने भी ताज़े फल, ताज़ी हरी सब्जियां हैं, उसी प्रकार से अब जैसे अभी गुड़ की बात हो रही थी, गुड़ क्या है क्षारीय है, गुड़िया शक्कर क्या है क्षारीय है, लेकिन उससे जो चीनी बन जाता है वो अम्लीय बन जाता है। गुड़िया शक्कर से भी अभी हमारे यहाँ
अभी हमारे यहाँ बन रहा था तो हमने कुछ मोलासेस निकलवाए, मोलासेस यानी राब, हम मोलासेस थेरेपी देते हैं जिनको कब्ज रहता है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको हृदय रोग है, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज वाले को छोड़ करके सभी को हम मोलासेस थेरेपी देते हैं। ये मोलासेस थेरेपी में क्या करते हैं कि 3 चम्मच मोलासेस एक गिलास पानी में गर्म पानी में डाल करके और इसे रोज रात को हम पीने को देते हैं। उससे पेट भी साफ होता है, शक्ति खून की कमी को ये दूर करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये इतना अद्भुत है मोलासेस जिसको हम राब कहते हैं। गुड़ के बनने के पहले जब हम गर्म करते हैं ना रस को, और उससे जो है वो राब बनता है पहले निकाल करके। अरे पहले घर घर बहुत शानदार तरीके से उसका उपयोग किया जाता था। तो ये राब थेरेपी विदेशों में और हमारे यहाँ भी काफ़ी प्रचलित है। ये विशेष रूप से हमने अपने चिकित्सालय में ये शुरू किया हुआ है राब थेरेपी, मोलासेस थेरेपी। तो ये अल्कलाइन फूड है, लेकिन उसी से चीनी बन जाता है, महा एसिडिक फूड बन जाता है, महा जो है हाईली टॉक्सिक बन जाता है। अब जैसे गेहूँ है, गेहूं को आप अंकुरण करके खाते हो, बहुत ही ज़बरदस्त गेहूं को अंकुरित करके खाते हैं, गेहूं का पानी पीते हैं, ये सब अमृत तुल्य काम करता है। जैसे पेट की खराबी होती है, पेट में आपके जो है मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पेट की एसिडिटी बन जाती है, गैस बनता है, पचता नहीं है, तो उनके लिए गेहूं, जैसे आधा कप गेहूं रात को भिगो दो और आधा कप गेहूं और 2 कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को पी जाइए और गेहूं जो बचता है उसे कपड़े में बांध दीजिए, अंकुरित करके खाइए। उसमें ऐसे ऐसे महान तत्व पैदा हो जाते हैं जो कि गेहूं में नहीं होता है। जैसे उसमें एक तत्व पैदा हो जाता है SOD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जो आपके चमड़ी को इतना सुंदर बनाकर रखता है, बुढ़ापे को रोक देता है। जिस व्यक्ति के अंदर SOD सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जितनी मात्रा में, ये एंजाइम है, खास प्रकार का एंजाइम है बुढ़ापा को रोकने वाला। तो ये SOD हमारा शरीर भी बनाता है, लेकिन जिसके शरीर में कम बनता है उसके ऊपर बुढ़ापा के रोग और बुढ़ापा जल्दी जो है ना हावी हो जाता है। उससे जो है मुक्त होने के लिए ये गेहूं का पानी जो है बहुत ही कमाल का करता है काम।